मेरे को 10 बार कोई पूछेगा नहीं कि भैया पीएनबी वालों ने रुपए का कार्ड दिया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश राउत एंड आई एम अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन ओरिमबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और ये वीडियो है बताने के बारे में तुमको कि पैसे कैसे भरते हैं तुम्हारे पेरेंट्स, आप लोग यहाँ पैसे कैसे निकालते हो। क्योंकि मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि भैया ये कार्ड चलेगा क्या, वो कार्ड चलेगा क्या, पेरेंट्स पैसे कैसे डालेंगे। ठीक है, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, सबसे बेसिक चीज़, सबसे पहली बात, इंडिया का फ़ोन पे यहाँ चलता नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई QR कोड है तुम लोग इंडिया के फ़ोन पे से स्कैन करोगे, कुछ नहीं होगा। इंडिया का गूगल पे से यहाँ कोई पेमेंट नहीं होती, लेकिन जीपे काम करता है। मतलब मेरे मोबाइल में जीपे है, मैं अपने इंडियन दोस्त को पैसे भेज सकता हूँ, मेरे पापा मेरे को जीपे थ्रू पैसे भेज सकते हैं, लेकिन उस जीपे से मैं यहाँ पेमेंट नहीं कर सकता। अमेजोन पे का भी सेम, अमेजोन पे से मैं यहाँ पेमेंट नहीं कर सकता, यहाँ की कोई दुकान है वहाँ पे QR कोड लगा है, मैं जाके अमेजोन पे स्कैन करूँगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट करने के सिर्फ दो ही मोड है, एक है कार्ड, दूसरा है कैश। अभी कार्ड और कैश पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा तुमको एक रशिया के ही जीपे के बारे में, एक रशिया का ही गूगल पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया कार्ड कौन सा चलता है, यहाँ पे हर एक बैंक का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चलता है, जिस पे तुम लोग को दिखाना भी बेकार डेंजर काम है, जहाँ पे वीजा लिखा हो या मास्टर कार्ड लिखा हो, कार्ड्स पे नीचे वीजा लिखा रहता है। तुम लोगों को इंडिया से वही कार्ड्स लाने हैं जिस पे वीजा या मास्टर कार्ड लिखा है। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ऑफ एनी बैंक, एनी इंडियन बैंक विच हैज वीजा और मास्टर कार्ड रिटर्न ऑन इटसेल्फ। रुपए का कार्ड चलता नहीं है। मैं जो बोल रहा था कि रुपए का कार्ड काम नहीं करता, ये पंजाब नेशनल बैंक का रुपए कार्ड है। देखो, ये पंजाब नेशनल बैंक का रुपए कार्ड है, ये रुपए कार्ड यहाँ काम नहीं करता। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है और रुपए कार्ड है, काम नहीं करता। तो कोई भी ये कार्ड नहीं बनाएगा, जो लोग बनाएंगे वीजा और मास्टर कार्ड बनाएंगे। मेरे को 10 बार कोई पूछेगा नहीं कि भैया PNB वालों ने रुपए का कार्ड दिया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वीजा या मास्टर कार्ड ही लाओगे, उसमें भी जो दो टॉप मोस्ट बैंक्स है वो बताता हूँ। अगर आपको कैश विथड्रॉल करना है तो PNB का वीजा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, पंजाब नेशनल बैंक का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लाना है वीजा। ठीक है, वो कार्ड आप लाओगे तो वो कार्ड जैसे इंडिया में चलता है वैसे ही चलता है, बस वो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होता है, वो इधर भी चलता है। वो कार्ड मैं लाऊंगा, मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक इंडिया में है, मेरे पापा इंडिया में ही मेरे अकाउंट में पैसे डालेंगे, इस कार्ड में मेरे पंजाब नेशनल के पैसे आ जाएंगे। मैं जाऊंगा, यहाँ पे एक ATM रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ATM से जहाँ पे इंडियन कार्ड चलते हैं, ठीक है, वो ATM आपको यहाँ के पता चल जाएंगे। आप वो अपना इंडियन कार्ड लेंगे, इंडियन कार्ड डालेंगे, सब फॉर्मेलिटीज करेंगे, इंडियन कार्ड का ही जो आपका इंडिया में जो पिन है वही पिन डालेंगे, और जितने रूबेल्स आपको चाहिए, जैसे मुझे 6,000 रूबेल्स चाहिए तो मैं 6,000 लिखूंगा, एंटर करूंगा, मेरे हाथ में 6,000 रूबेल्स आएंगे इंडियन कार्ड से ही, इंडियन इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से ही मेरे हाथ में 6,000 रूबेल आएंगे, और ऑटोमेटिकली मेरे इंडियन अकाउंट से जो भी कन्वर्जन रेट होगा, जैसे 1 रूबेल इज इक्वल टू 1.02 इंडियन रुपीज है या 1.03 इंडियन रुपीज है, तो 6,000 के ऑटोमेटिकली 6,400 या 6,500 इंडियन रुपीज आपके इंडियन अकाउंट से कट जाएंगे। ये है तरीका आपका पैसे निकालने का। अब भैया मैं सिर्फ PNB से ही पैसे निकाल सकता हूँ क्या? नहीं, आप कोई भी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हो जिस पे वीजा या मास्टर कार्ड लिखा है। ओनली शर्त, ओनली कंडीशन या ओनली बेनिफिट PNB का ये है कि PNB में विथड्रॉल के जो चार्जेस है वह बहुत ही कम लगते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लगते हैं। ठीक है, आप 10,000 निकालो, 10,000 रुपये, 100 या 150 रुपये ऐसे कुछ कटते हैं, तो वेरी लेस चार्जेस ऑफ विड्रॉल थ्रू PNB। सेकेंड है स्वाइप करने के लिए, भैया मैं स्वाइप करने के लिए कौन सा कार्ड लो, तो स्वाइप करने के लिए SBI का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड जैसा ये है जिसपे वीजा या मास्टर कार्ड लिखा हो, और
HDFC का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड जिसपे वीजा या मास्टर कार्ड लिखा हो, SBI और HDFC का दोनों अगर ला सकते हो तो SBI का लाओ, नहीं तो फिर HDFC का लाओ। ये कार्ड आपको यहाँ जब आप स्वाइप करोगे तब आपको स्वाइप करने में सबसे बेस्ट ये कन्वीनियंट होता है SBI का। भैया मैं HDFC का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड वीजा या मास्टर कार्ड वाला स्वाइप नहीं कर सकता क्या? अबे कर सकते हो, ठीक है कर सकते हो, लेकिन स्वाइप करने के लिए यहाँ पे SBI और HDFC प्रेफर करते हैं हम लोग, कैश निकालने के लिए PNB प्रेफर करते हैं। अगर आप एक ही कार्ड ला सकते हो तो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए PNB का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, उससे पैसे भी निकलते हैं और स्वाइप भी होता है। SBI के भी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या HDFC के इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से पैसे भी निकलते हैं और स्वाइप भी होता है, हर एक कार्ड से दोनों काम होते हैं, पैसे निकलना और स्वाइप होना, लेकिन कैश विड्रॉल के लिए बेस्ट है PNB और स्वाइप करने के लिए SBI HDFC। वेरी क्लियर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हमने तो SBI का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड वीजा ही लाया था लेकिन काम नहीं कर रहा। क्यों काम करेगा अगर आपने उसके इंटरनेशनल जो क्या बोलते ट्रांजेक्शन से वो ऑन नहीं किए हैं? तो आप जब अपना कोई भी कार्ड इंडिया से किसी बैंक से लेते हो तब आपको वही के वही बोलना है मेरे अपने बैंक मैनेजर को या कोई भी वहां पे जो भी उनका कार्य जो भी आदमी होगा काम करने वाला उसको बोलना है कि सर मेरे आप इंटरनेशनल चार्जेस एक्टिव कर दीजिए। ठीक है, जो भी मैंने कार्ड लिया है मेरे को उसका इंटरनेशनल चार्जेस ऑलरेडी एक्टिव करके दो, तभी आपके कार्ड काम करेंगे। अगर कभी ऐसा हुआ कि आप इधर आ गए और आपने ट्रांजेक्शन चार्जेस जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से वो ऑन नहीं किए तो आप अपने मोबाइल ऐप से भी ये चीज कर सकते हो। SBI का SBI ऑनलाइन या योनो SBI से होता है, आप उस ऐप में जाओ और आपने बोलना, आप उसने ऐप में आपको देखेगा इंटरनेशनल चार्जेस ऑन करने का सब सिस्टम आपको समझ जाएगा। इस पे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज है, मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और कोई अगर आपका कोई मैनेजर होगा या कोई बैंक में होगा आप उससे फ़ोन पे भी ये सब काम करवा सकते हो, वेरी इजी। सेकंड जो मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन था तुम लोग का कि भैया रशियन बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं क्या? अरे खोल सकते हो, पासपोर्ट है, वीजा है, यहाँ का कॉलेज का यूनिवर्सिटी कार्ड है, आप रशिया में रहोगे तो ऑब्वियसली रशिया के बैंक में कार्ड अपना जो अकाउंट है खोल सकते हो। अभी अकाउंट कैसे खोले? कुछ भी नहीं करना है, अपना पासपोर्ट लेके, अपना जो वैलिड तुम्हारा पासपोर्ट है जिसपे तुम्हारा वीजा लगा हुआ है वो पासपोर्ट लेके सीधा बैंक जाएंगे, वहां पे बोलेंगे वहां के कोऑर्डिनेटर को कि आई नीड टू ओपन एन अकाउंट, अगर उसे अंग्रेजी नहीं आती है तो आप उसको रशियन में ट्रांसलेट करेंगे तो वो आपकी सारी हेल्प कर देगा, आपका फॉर्म फिलिंग वगैरह ही हेल्प यू। आपको बस एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है आपका पासपोर्ट और बैकअप के लिए 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेके चले आना, ठीक है यही डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद में जो आपका अकाउंट खुल जाएगा, जैसे मेरा स्वेयर बैंक में अकाउंट है, ये स्वेयर बैंक का मेरा कार्ड है, ठीक है ये मेरा स्वेयर बैंक का कार्ड है, दिस इज मास्टर कार्ड, क्योंकि इस पे एक रेड और येलो कलर का एक सर्कल है, इसका मतलब ये मास्टर कार्ड है। जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तब आपको भी ऐसे कार्ड्स मिल जाएंगे। अब बहुत लोग बोलते हैं कि भैया रशियन बैंक में अकाउंट खोलने का क्या बेनिफिट है? ऐसा कोई भी खास बेनिफिट नहीं है, कुछ बेनिफिट नहीं है। उसमें क्या बेनिफिट है? आप जो कैश निकालते हो आपके इंडियन कार्ड से इतना सारा कैश आप हैंडल नहीं कर सकते आपके साथ में, इसलिए आप वो कैश आपके रशियन अकाउंट में डालते हो और फिर आपके इस कार्ड में वो पूरा पैसा आ जाता है, ठीक है। बाकी ऐसा एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट मतलब यहाँ पे एक टिंक ऑफ करके बैंक है, टिंक ऑफ करके जो बैंक है अगर आपने वहां अकाउंट खोला तो वहां पे आपका मंथली चार्जेस एक महीने का आपको 90 रुपीज के आसपास लगता है, स्टार्टिंग के 3 या 6 महीना आपको वो चार्जेस नहीं लगते, लेकिन जब आप उसको ग्रेजुअली यूज करते जाओगे तब आपको हर महीने के 90 रुपीज पे करना पड़ता है। आप बोलोगे भैया फिर उससे अच्छा मैं दूसरे बैंक में अकाउंट क्यों ना खोल लूं, बरोबर है, लेकिन टिंक ऑफ बैंक का बेनिफिट क्या है कि आप जब भी किसी यहाँ के जो लोकल जो शॉप्स है, ठीक है, जो जिन शॉप के साथ उस बैंक का टाइप है, जैसे प्यात्रुष का हो गया या एंडेक्स टैक्सी हो गया, तो इस जगह पर अगर आप उनके कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको 1% या जितना भी उनका डिसाइड होगा कमीशन उतना कैशबैक आपको मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने प्यात्रुष का मतलब यहाँ पे एक स्टोर है ग्रोसरीज का, जहाँ मैं जाता हूँ और अगर मैं टिंक ऑफ के किसी कार्ड से पे करता हूँ तो मेरे को कैशबैक मिलता है, या मैं यैंडेक्स में अगर किसी टिंक ऑफ के कार्ड से पे करता हूँ तो मेरे को कैशबैक मिलता है।
और टिंकॉफ के कार्ड का ये बेनिफिट है कि अगर मेरे पास इंडिया का कोई कार्ड है, मैं सीधा बैठे बैठे अपने रूम में टिंकॉफ का ऐप ओपन करके सीधे सीधे उसमें इंडियन कार्ड ऐड करूंगा अपना। उस इंडियन कार्ड से डायरेक्टली मेरे को जितने रूबल्स मेरे टिंकॉफ के रशियन अकाउंट में चाहिए, डायरेक्टली रुपीज टू रूबल्स बिना कैश विड्रॉल किए आपने सीधे सीधे टिंकॉफ के ऐप में जाना है। आपका टिंकॉफ का अकाउंट की वजह से बना हुआ है, टिंकॉफ के ऐप में जाके मैं अपना इंडियन कार्ड ऐड करूंगा, फिर मैं लिखूंगा कि मेरे को कितने रूबल्स चाहिए। मेरे को जैसे 10,000 रूबल मेरे टिंकॉफ के रशियन अकाउंट में चाहिए, ठीक है। और टिंकॉफ का भी आपको कार्ड मिलेगा, जैसे ये स्वेयर बैंक का कार्ड है, ठीक है। इस पे देखो, इस पे स्वेयर बैंक लिखा है, स्वेयर बैंक, तो ये स्वेयर बैंक का कार्ड है, वैसे आपको टिंकॉफ का कार्ड मिलेगा। आप सीधे इंडियन कार्ड से टिंकॉफ के रशियन अकाउंट में जितने पैसे आपको रूबल चाहिए उतने ट्रांसफर करोगे, ऑटोमेटिकली आपके इंडियन अकाउंट से जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है रेट के अनुसार उतना अमाउंट कट जाएगा और आपके सीधा रशियन अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये झमेला है कि आप कैश विड्रॉल करोगे, ठीक है, आप उसमें डालोगे उस अकाउंट में, तो ये बंद है। इसलिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे टिंकॉफ प्रीफर करते हैं, ठीक है। हम लोग भी, मेरे पास अभी तक टिंकॉफ का कार्ड नहीं, जब जब हमने बनाने का विचार किया तब तक हमारे पासपोर्ट किसी चीज़ के लिए, ठीक है, जब हमारा माइंड सेट अब क्लियर हो बनाने के लिए। और अभी तो फिर अगर हम लोग अभी ट्राई करें बनाने का, लेकिन वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है उसका। टिंकॉफ का कार्ड बनाने के लिए आप रूम के रूम से बना सकते हो, आपको उसके बैंक जाने की भी गरज नहीं है। आप रूम में ही टिंकॉफ का ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। आप टिंकॉफ का ऐप डाउनलोड किया आपने, उसमें सारी फॉर्मेलिटीज करो, आपके डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है भरो, उसके बाद में एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, कुछ लोग आते हैं आपके ऑफिस में, आपका वेरिफिकेशन करते हैं पासपोर्ट वगैरह, और दे इशू योर कार्ड विद इन 10 to 15 days, ठीक है। तो जैसे ही क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाएगा मैं टिंकॉफ का कार्ड एक बना लूंगा और तुमको दिखा दूंगा। ये सब चीज़ें हैं। और लास्ट एक चीज़ रहेगी, गूगल पे रशिया। तो गूगल पे रशिया एक अलग ऐप आता है जिसमें आप अपना जो रशियन कार्ड होता है वो ऐड करते हो। उस रशियन कार्ड से आप, जैसे मैंने यैंडेक्स, जैसे अपने ओला उबर होता है ना, वैसे जैसे मैंने यहाँ पे यैंडेक्स में गया, मैं यैंडेक्स में गया और वहाँ पे मैंने, मतलब वहाँ पे पेमेंट थ्रू जीपे का ऑप्शन है और जीपे में मैंने क्लिक किया, और जीपे में फिर बोलता है कि ठीक है आप अभी जीपे आपने सेलेक्ट कर लिया, अपना कार्ड ऐड कीजिए, फिर मैं अपना रशियन कार्ड ऐड करता हूँ। और जब भी मैं यैंडेक्स की टैक्सी बुक करता हूँ डायरेक्टली मैंने जीपे से, मतलब रशियन अकाउंट से ही पैसे कट जाएंगे। सेम ही चीज़ है, बस अगर आपको कैश नहीं देना तो आपने अपने जीपे में रशियन कार्ड ऐड करके रखना है, एंड ये जो छोटे मोटे जो पेमेंट्स हैं टैक्सी वैक्सी की, वो आप जीपे से कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो थोड़ी काम की आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और बस कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, और जे मैं सानू छड्ड गई हां नी तू अलड़े, जदों तैनू कोई छड्डूगा तां पता लगूगा।